बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तमा, अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी इज्तमा पंजाब की सरजमीन पर होगा और ये रूहानी इज्तमा सिलसिला आलिया तारीखिया जहांगीरिया उस्मानिया के फैज़ और पीर मुर्शिद मियां हुज़ूर की बरकात को आम करने के लिए जो तारीखिया रूहानी सेंटर ने जगह ली है उस जगह पर इंशाल्लाह खानका का क़याम हो रहा है। पीर मुर्शिद मियां हुज़ूर के दस्ते मुबारक से उस खानका का इफ्तिताह होगा। जामा मस्जिद फिजान तारिक मियाँ का संगे बुनियाद रखा जाएगा। नूरुल कुरआन इस्लामिक अकेडमी का संगे बुनियाद रखा जाएगा और जामिया फिजाने तारिक मियां का संगे बुनियाद रखा जाएगा। और ये संगे बुनियाद मैं नहीं रखूंगा, मेरे और आपके हर दिल अजीज गौसुस जमा मेरे पीर मुर्शिद शेखुल मशाइख शेख हकीम सूफी तारिक अहमद शाह आरिफ अल मारूफ मियां हुजूर अपने दस्ते मुबारक से रखेंगे और इंशाल्लाह दुआ भी फरमाएंगे। ये रूहानी इज्तमा 23 जून बरोज़ जुमरात बाद नमाज मगरिब इसका आगाज़ ख़त्म ख्वाजगान से होगा। बाद नमाज इशा पीर मुर्शिद मसनद पर जलवा गर होंगे और आपका रूहानी नूरानी खिताब होगा। तमाम अहले अकीदत तमाम अहले मोहब्बत तमाम मुरीद तमाम शागिर्द तमाम खुलफा तमाम पीर भाइयों को तारीखी रूहानी सेंटर और मुझ नाचीज की तरफ से दावत आम है। आने वाले तमाम मेहमानों को लंगर तारीखिया भी पेश किया जाएगा। तो मेरे जितने भी शागिर्द हैं वो काफलों की सूरत में इस रूहानी इज्तमा में 23 जून बरोज़ जुमरात लाजमी बाद नमाज मगरिब शिरकत करें, इसकी दावत को आम करें और सवाब कमाएं और रूहानियत के फरोग और सिलसिले के फेज और अजकार को आम करने के लिए अपने आप को तारीखिया रूहानी सेंटर के साथ मजीद मजबूती के साथ जोड़ें। अल्लाह करीम हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और जो जो अहबाब हमारे साथ इस मामले में तआवुन कर रहे हैं जिस भी एतबार से अल्लाह उन सबको बरकत अता फरमाएं। मेरे पीर मुर्शिद मियाँ हुज़ूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र खिज़री अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।